राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बाड़मेर के दौरे पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। आदर्श स्टेडियम पहुंचने पर मुख्यमंत्री, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन, वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी सहित कई मंत्रियों जनप्रतिनिधि ने उनकी अगुवाई की। मुख्यमंत्री गहलोत व अन्य जनप्रतिनिधियों ने आदर्श स्टेडियम में हजारों की संख्या में मौजूद जनसभा को संबोधित किया। सभा में मौजूद भारी भीड़ को देख मुख्यमंत्री प्रफुल्लित नजर आए। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए इन 5 वर्षों में प्रदेश में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में समर्थन मांगा। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत शुक्रवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत बाड़मेर पहुंचे। वे पचपदरा में रिफाइनरी की समीक्षा बैठक की समाप्ति के बाद दोपहर में विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए आदर्श स्टेडियम पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा में पहुंचते ही पूरा स्टेडियम अशोक गहलोत के जयकारों से गूंज उठा। बाड़मेर वासियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आदर्श स्टेडियम पहुंचने पर मुख्यमंत्री की गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन, वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी सहित कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उनकी अगुवाई की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन को राहत देना राज्य सरकार का ध्येय है। राज्य में उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन कर जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के मानकों को पूरा करने और अनुमति मिलने पर ही राज्य सरकारों को ऋण मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 5 बजट में आमजन पर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र की 90% से अधिक घोषणाओं की क्रियान्वयन कर दी गई है। सभा को संबोधित करते हुए गौ सेवा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक मेवाराम जैन भीड़ से खचाखच भरे पंडाल को देखकर प्रफुल्लित नजर आए। संबोधन में दौरान मेवाराम जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बाड़मेर आने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रशंसा करते हुए जनता से एक बार फिर से गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। जनसभा को वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व राजस्व मंत्री बायतू विधायक हरीश चौधरी और राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कर्नल मानवेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। लेकिन जो पीछे आती है उनको नियुक्तियां
नहीं मिल पाई, जबकि वो चयनित कोविड की काउंसलिंग भी उनकी हो गई थी। इस पर आप ध्यान दे करके सपना इलाके से बाड़मेर जिले के अंदर पीने का पानी आना, सोनिया गांधी जी इसी सभा स्थल के ऊपर पिछली दफे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे अपनी सरकार की, उस वक्त उसका उद्घाटन करने के लिए यहीं आए, सोनिया मंच द्वारा वो भेंट हम लोगों को। इंदिरा गांधी नहर के बाद में सबसे बड़ी परियोजना राजस्थान की रिफाइन में 2013 के अंदर फैसला हुआ, भले कहानी है कितनी मेहनत से किस परिस्थितियों के अंदर फैसला हुआ, जैसे ही सरकार बदली 5 साल तक राजस्थान को पीछे धकेल दिया और धन आज राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हजारों करोड़ रुपए तो समय रोजगार और 1,000 करोड़ रुपए हम लोगों के राजस्थान के 1,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के उसके गलत कृत्य के कारण हम लोगों को भुगतना पड़ता है। बढ़ता हुआ राजस्थान बढ़ते हुए बाड़मेर के अंदर मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सोच भी नहीं सकती जो कांग्रेस की सरकार ने कि तमाम जो काम किए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के साथ और बाड़मेर के साथ क्या किया। जो शहीद हुए हैं उनके लिए राहत पैकेज केवल राजस्थान ने दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया है। कारगिल पैकेज जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख की घोषणा करी थी उस समय, आप उसको बढ़ाकर 50 लाख करा है। जोधपुर में आपको ध्यान होगा शहीद परमवीर चक्र मेजर शतान सिंह जी के नाम से एक संग्रहालय की घोषणा करी है और उसके साथ साथ एक कौशल विकास केंद्र की भी घोषणा करी है। ये हमारे पूरे पश्चिम भाषा के लिए बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत बड़ी गर्व की बात है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। शहीदों को और विशेषकर हमारे शेर में राजस्थान में जो अपनी परंपरा रही है शेरों का सम्मान, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसमें राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सर्वोच्च स्तर तक है और इसके बराबर मुझे लगता है कोई राज्य ने इसका इतना करा नहीं है। उसके उसमें जो बढ़ोतरी की चर्चा मुख्यमंत्री ने करी है और आगे इसकी घोषणा करेंगे वो एक बहुत बड़े सराहनीय कदम है और मैं आपको धन्यवाद यहाँ से इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सैनिकों का सम्मान मैं समझता हूँ देश का सम्मान है और उसमें राजस्थान सरकार अव्वल नंबर पर है और मैं आपको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले के 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कर्मोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चिरंजीवी स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना, 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान, अन्नपूर्णा योजना, किसानों को 2,000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्य गिनाए। उस विश्वास के मैं प्रभावित हूँ, उसके लिए मैं जी जान से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ कि सपना देखते हुए राजस्थान देश के अंदर कम से कम 2030 तक नंबर 1 राज्य कैसे बने। पेश किए थे वित्त मंत्री के रूप में, पार्टी में टैक्स लगाया था, शानदार वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं। योजना आ रही है आपकी कल्याण की योजना आ रही है, क्या महिलाएं और उदय और इसे कहानी बता रहे थे दिल्ली में साथ थे नरेंद्र चौक जो एक हमारा चैनल है उनके पिक्चर आ रहे हैं
वो देखते रह गए भाई इस प्रकार के लोगों पे खुश है टेंशन 5,000 हो गई 5,000 हो गई 25,000 का बीमा बीमारी का 3,000 भी 2,500 का 3,000 का इलाज हम के वो बुरे आने का मेडिसिन लग गया साल में कहीं पे भी नहीं है करीब 80,00,000 महिलाओं को मिलेगा कैसे ने 500 रुपये का प्रति कैसे 640 रुपये सरकार डीबीटी करेगी वो जल्दी करने जा रही है बीमा कर रहे हम लोग गाय हो या भैंस हो जो पशु पक्षी महिलाओं का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है हम लोग करने जा रहे हैं जिससे कि पशु पालक कंप्लेन रहे भाई तो मर भी गया पशु तो कम से कम 40,000 की गाय का इतना कीजिए 500 बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए आने किराया सरकार दे दी वहाँ खाने पीने का सरकार किराया दे दी जिला का भी फी सरकार दे दी है दो तीन कहने के लिए उचित पकड़ लगी मैं तो पैसा नहीं लाएगा संजीवनी का वापस तो मैं लौट करवाऊंगा अगर अभी तो मैं फ्री कर लेगा दूर में करूँगा तो गाँव में लाए उचित पकड़ लगी है कहने का मतलब जो 2,50,000 लोग थे गूगल और हमारे जोधपुर के एम पी साहब टेगा साहब जितना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो प्रधानमंत्री ने दिया होगा। आदर्श स्टेडियम में आयोजित हुई जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा सूचना रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के अधिकार दिए गए वर्तमान केंद्र सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा और अधिकार देना चाहिए। समारोह में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद से विधायक अमीन खान पचपदरा मदन प्रजापत चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।